करती हैं। इसके साथ साथ SC ST व OBC वर्गों का ज़्यादातर विभागों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है, जिसको लेकर ये दुखी व पीड़ित लोग आए दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन आदि करते रहते हैं। इन वर्गों के लिए प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी आरक्षण देने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही अभी तक भी केंद्र व राज्य सरकारें इस मामले में कोई भी कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसे ही केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा संविधान का पालन किया जा रहा है? ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसी सरकारों को आज इस मौके पर इन वर्गों के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपनी इस कमी को जल्दी ही दूर भी करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अर्थात हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान में सबको तरक्की व उनके जान माल की सुरक्षा के लिए भी जो भी कानून बने हैं तो उनका सही से केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। सभी सरकारें इस ओर भी जरूर ध्यान दें। देश में आए दिन गरीबी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इससे खासकर गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं व परेशान भी हैं, लेकिन केंद्र व राज्यों की सरकारें इसको कम करने के लिए हमें कतई भी गंभीर नज़र नहीं आ रही हैं। ये भी अति चिंता की बात है। वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि संविधान दिवस के मौके पर आज किसानों के आंदोलन का भी एक वर्ष पूरा हो गया है। केंद्र सरकार ने इनके 3 कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया है। ये उचित कदम है जो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन इनकी अन्य और भी जरूरी मांगे हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार को जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। BSP की ये मांग है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि आज संविधान दिवस के मौके पर केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं अर्थात नहीं कर रही हैं। हमारी पार्टी का ये मानना है, इस मामले में इनको जरूर सोचना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ने आज केंद्र व राज्यों की सरकारों के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। अंत में अब मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री उमा शंकर सिंह को आज BSP विधानमंडल दल का नेता बना दिया गया है। इनको मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देती हूँ। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।